Hello friends, welcome to NB Creations. Welcome back to my kitchen. A very happy Republic Day to everyone. आज ट्रिकलर बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है. कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी ऐड किया है. घी ऐड करने के बाद 1 कप मैदा ऐड कर देंगे. मैदे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स भी ना रहे. इस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लेना है. अब इसके अंदर हम लोग 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे. दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे. आफ्टर दैट इसे हम लोग ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने. इसे हम लोग अपार्ट कर लेंगे और कढ़ाई को फिर से क्लीन कर लेंगे. उसके बाद इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे. 1 कप शुगर ऐड करने के बाद इसमें हम लोग 1/2 कप से कम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम लोग शुगर सिरप बनाएंगे. मेक श्योर आपका जितना मैदा है आप उतना ही शुगर लें. इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे शुगर को. शुगर सिरप जब 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए, इस तरीके से ताड़ अगर बनने लगे, तो ये रेडी है. अब इसके अंदर हम लोग ये ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना आए. अब इसको हम लोग गैस ऑफ कर देंगे. हम लोग इसको ये पक चुका है, ज़्यादा नहीं पकाना. अब ये 3 बॉल्स में अलग अलग सेपरेट कर लेंगे और इसमें मैं यहाँ पे पहले ऑरेंज कलर यानी कि केसरिया कलर मिला रही हूँ. ये फूड कलर है. सेकेंड वाले में ग्रीन और एक को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ट्री कलर का जो बर्फी है वो तिरंगा के कलर का दिखे. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसके बाद एक थाली ले लेंगे, इस पर हल्का सा बटर लगा के ग्रीस कर लेंगे. उसके बाद सबसे पहले ग्रीन कलर को ऐड करेंगे इस थाली में और स्प्रेड कर देंगे. फिर वाइट को स्प्रेड करेंगे. फिर लास्टली ऑरेंज को स्प्रेड कर देंगे. इसे हम लोग अच्छे से स्प्रेड करके फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए. 1 घंटे के बाद इसे कट करेंगे. ये देखिए ईजिली कट हो रहा है, यानी कि आपका बर्फी रेडी है. ये तिरंगा बर्फी बहुत ही ईजी है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है. ये इसे ट्राई कीजिए. वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरी वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.